बरेली में शुक्रवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई तथा दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीलीभीत से आ रही एक रोडवेज बस मुड़िया अहमदनगर क्षेत्र में शादा नहर में गिर गई। इससे वहां चीख पुकार मच गई। तत्काल ही पास में स्थित पूर्णागिरी ढाबे से और आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर नहर पर पहुंचे। इन्हीं लोगों ने स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन को जानकारी दी। बस में बैठे हुए थे तो एकदम ऐसा लगा जैसे झटका ऐसा लगा हो, एकदम खटाक से बहुत तेज आवाज हुई थी। आवाज होने के साथ ही पता चला कि हम पानी में डूबते चले गए। बस जब गिरी थी तो जब बस पानी में गिरी थी उसके बाद हमें पता नहीं चला कहाँ हम हैं, बिल्कुल गोते ही लगते चले गए हमारे। जब हम थोड़ा ऊपर उठ के आए तो उछल के आए पानी के साथ, तो हमने देखा कि वहाँ पर मतलब खिड़की दिखाई दी हमें, तो हमने उसका शीशा तोड़ा तो हम बाहर को निकले। तभी एक महिला थी हमारे नीचे दबी हुई थी, वो उसका एक बच्चा था छोटा सा बिल्कुल, उसने हमें बच्चा दिया, बोला बोली भैया हमारा बच्चा भी निकाल लो। तो हमने उसका बच्चा निकाला, बाहर लोग खड़े हुए थे तो हमने उसका बच्चा फेंका बाहर के लिए। तो एक आदमी ने वहाँ मतलब पकड़ लिया बच्चे को, फिर हम वहाँ से निकल के आए इसी तरह से निकलते हुए। पुलिस के अनुसार मरने वालों में 40 वर्षीय प्रेमवती, 45 वर्षीय जाहिदा, एक अन्य पुरुष के अलावा 20 दिनी एक बच्ची भी शामिल है। इसके अलावा एक दर्जन यात्री गंभीर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना ये हुई है कि पीलीभीत की तरफ से एक रोडवेज की बस UP 25 AG 0222 वहाँ से आ रही थी, इधर सामने से एक ट्रक जा रहा था। पुलिया के पास इस बस ने बाई तरफ मोड़ा, मोड़ के पुलिया के अंदर कलापुर वाली पुलिया के अंदर लगभग 1:45 बजे करीब ये गिर गई। सूचना पर तत्काल फोर्स पहुँच गया था। इसके अलावा ट्रेन यहाँ से भिजवाई गई थी और वहाँ के जितने स्थानीय नागरिक थे उनकी मदद से डेड बॉडीज़ को निकाला गया और जो इंजर्ड हैं उनको तत्काल अस्पताल भिजवा दिया गया। 4 की मौत हो चुकी है इसमें। बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक दशहरा का त्योहार बरेली में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जगह जगह रावण के पुतले फूके गए। गुरुवार को भव्य दशहरा मेला मॉडल टाउन के दशहरा मेला ग्राउंड में लगाया गया था। यहाँ मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतलों को फूका गया। जमकर आतिशबाजी भी हुई। शानदार आतिशबाजी से रोशन आसमान को लोग एकटक निहारते रहे। ऑल टाउन के अलावा शहर भर में गली गली में बच्चों ने छोटे बड़े पुतले बनाए और राम की जीत का जश्न मनाया। साठवीं पुलिस जोनल एथलेटिक्स मीट शुक्रवार को पुलिस लाइन में शुरू हो गई। इसमें बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, मुरादाबाद, जेपी नगर और रामपुर की पुलिस टीमें भाग ले रही हैं।
उत्साह वर्धन कर रहे खिलाड़ियों का, में तालियों में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। भाग्य पहुंचे जल्दी, ये जनपद बरेली वोज टीम की मुख्य प्रतियोगिता रही 800 मीटर की दौड़। रेस प्रारंभ हो गई, कृपया आप ग्राउंड से बाहर हो जाएं, ग्राउंड से बाहर रहे। जिसमें बदायूं के मनोज प्रथम और बरेली का बलियान दूसरे तथा मुरादाबाद के रजनीश तीसरे स्थान पर रहे। इससे पूर्व मीट का उद्घाटन डीआईजी प्रकाश जी ने किया। आज पुलिस लाइन बरेली में 60वीं अंतर जनपदीय बरेली जोन एथलेटिक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पुलिस विभाग में काम के अतिरिक्त खेल कूद में भी ध्यान दिया जाता है। हमारे बीच में तमाम ऐसे कर्मचारी है जो खेल कूद में अव्वल है, विभिन्न स्पोर्ट्स में, विभिन्न गेम्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी भी पुलिस विभाग में मौजूद है। आज पुलिस लाइन बरेली में बरेली जोन के 9 जनपदों की टीमों ने इस उद्घाटन में भाग लिया है। ये 3 दिन का कार्यक्रम है। कुछ कार्यक्रम, कुछ इवेंट्स यूनिवर्सिटी ग्राउंड में और कुछ पुलिस लाइन बरेली में आयोजन करने के लिए प्लान किया गया है। समापन 9 तारीख को आईजी रेंज महोदय द्वारा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है इस प्रकार की प्रतियोगिता के आयोजन से पुलिस विभाग में कर्मचारी अधिकारियों के बीच में मनोबल ऊंचा रहेगा एवं हम लोगों के बीच में ऐसे प्रतिभान खिलाड़ी है उनको अपने टैलेंट को दिखाने का एक मौका मिलेगा। मणिनाथ में शुक्रवार को राम और रावण का जमकर युद्ध हुआ, लेकिन कलयुग में रावण राम से पहले भ्रष्टाचार से हार गया। उसने राम से अपील की कि हे राम, मुझसे पहले भ्रष्टाचार को मारिए, मैं तो आपके शहर में मरने के लिए ही आ ही जाऊंगा। मेरे भुजाओं का बल कहा, तेरा छोटा सा तल कहा, ठहरे हमारे सामने मृत्यु में बल कहा, बकरी के सिंह से भला कोई मेल है, रावण के सामने तक से बच्चों का खेलो, उसके बाद में मुझे मारो। यदि आप में वो शक्ति नहीं है, बल नहीं है, तो मैं आपका साथ लेने के लिए तैयार हूँ। चलो तुम और हम मिल करके सबसे पहले भ्रष्टाचार रूपी रावण को मारे, उसके बाद में मुझे मारो। इस नुक्कड़ नाटक का आयोजन व्यापारी नेतन देवेंद्र जोशी ने कराया। उन्होंने मणिनाथ मेला ग्राउंड में बच्चों को एकत्र कर यह आयोजन किया था। रावण जो था बुराई का प्रतीक माना गया था और इस युग में जो कलयुग कहलाता है, इस युग में अनेकों अनेक रावण इस समय पाए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस रामलीला के माध्यम से जो राम रावण के बीच में युद्ध होता है, उससे पहले जो हमारे यहाँ का जो रावण है उससे हर वर्ष हम एक उद्देश्य दिलवाते हैं जो समाज में एक मैसेज देता है कि भ्रष्टाचार हमारे देश में इस समय सबसे बड़ा दानव है और राक्षस रूपी है। हम राम और रावण के बीच में दोस्ती कराकर इस भ्रष्टाचार रूपी दानव को इस समय खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस मंचन का आयोजन किया था।